जय बद्रीनाथ धाम की। मौसम खराब हो गया, देख प्रसाद लिया हमने। ये देख लंबी लाइन लगी। जय बद्री विशाल। जल भर लिया था हमने, एक सपोर्ट करते रहे, आज ये बोल नहीं पाते। जय बद्री विशाल। तो स्वागत है आपका नए व्लॉग में गाइस। पिछले व्लॉग में आपने देखा हम बस स्टैंड तक पहुंच गए थे बद्रीनाथ धाम के। तो सभी को पहले बोलेंगे जय बद्री विशाल, जय बद्रीनाथ धाम की। क्या बोलेंगे भाई? जय बद्रीनाथ धाम की। तो हम जा रहे हैं अभी बद्रीनाथ धाम टेंपल की तरफ, आपको भी कराएंगे दर्शन और देखते हैं क्या लाइन लगी है, कैसा है, जो भी कुछ है। तो बने रहिएगा इस व्लॉग में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे होटल भी है काफ़ी, पर यहाँ पे एक बात है कि यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं बहुत कम है, केदारनाथ की अपेक्षा यहाँ पर बहुत कम श्रद्धालु हैं। और देखिए ऊँचे ऊँचे माउंटेन स्नो वाले। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर भीड़ जो है बहुत कम है। केदारनाथ में इतनी भीड़ थी कि सही से दर्शन भी नहीं कर सकते, ना चल सकते, सब कुछ महंगा है। पर यहाँ पे बहुत शांति है बद्री विशाल में, देख सकते हैं आप। और अभी बादल छाए हुए हैं ऊपर, थोड़ा थोड़ा खुला हुआ है मौसम। सामने लिखा है जय बद्री विशाल, सीमा सड़क संगठन BRO, ये सब BRO के अंडर में आता है। यहाँ पर पास में इंडिया का लास्ट गांव भी है जिसे बोलते हैं माड़ा गांव। तो वहाँ पीछे से दो रास्ते जा रहे थे, तो लेफ्ट वाला रास्ता लेना आपको मंदिर की तरफ जाने के लिए। और यहाँ से व्यू देखिए कितना खूबसूरत, सामने वाटरफॉल दिख रहा होगा। और वो देखिए बर्फ़ वाले पहाड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और ठंड बहुत है यहाँ पर, ठंड बोर्ड में लगा हुआ है ऐसे, ये प्रोजेक्ट है, इसको ऐसा मॉडिफाई किया जाएगा एकदम स्मार्ट बद्रीनाथ धाम को। यहाँ से हो गई है मार्केट स्टार्ट, और यहाँ से डाउन डाउन में जाना है हमको नीचे की तरफ। देखिए यहाँ पे ये टॉयलेट भी बना हुआ है, यहाँ पे आप नहा भी सकते हैं, आप गर्म पानी भी मिलेगा। और ये हमारे सामने नीलकंठ सदन। तो देखिए भाई ऊपर से नीचे की तरफ आ गए हैं हम, और यहाँ पे नीचे आते ही श्रद्धालुओं की भीड़ है बढ़ती जा रही है, ऊपर थोड़े कम थे। और यहाँ काफ़ी सारे रेस्टोरेंट शॉप्स वगैरह हैं, पूरा मार्केट है। खाएंगे आपको थोड़ी देर बाद दर्शन कराने के बाद। काफ़ी महात्मा वगैरह बैठे हुए हैं, यहाँ से आप प्रसाद भी ले सकते हैं, तुलसी वाला प्रसाद चढ़ता है बद्रीनाथ जी को। देख ले लाइन, प्रसाद वगैरह की शॉप है इधर। तो देखिए हम पहुँच गए हैं यहाँ पर बद्री विशाल जी के गेट, कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है यहाँ पर। ये है बद्री विशाल के मंदिर अंदर जाने के लिए गेट, और नीचे बहती हुई माँ अलकनंदा नदी, ये है गेट। और सामने है मंदिर, अभी दिखाते हैं, कराते हैं आपको दर्शन थोड़ी सी देर में। ये देखिए गाइस नीचे बहती हुई माँ अलकनंदा नदी। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जल कितना साफ है ना, रुद्रप्रयाग में थोड़ा मटमैला सा हो जाता है। अलकनंदा नदी जो आगे देवप्रयाग में भागीरथी के साथ मिलकर संगम होता है और माँ गंगा बनती है। और सामने है उधर तप्तकुंड। तो बस अभी कुछ ही देर में दिखाते हैं आपको मंदिर, कराते हैं दर्शन। ऊपर चढ़ रहे हैं हम सीढ़ियों पर मंदिर के लिए, और यहाँ काफ़ी श्रद्धालु हैं आए हुए हैं। हमारे पास ये काफ़ी भारी बैग है तो चढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो भाई पहुँच गए मंदिर के प्रांगण में यहाँ, और यहाँ बैठ गए क्योंकि बैग इतने भारी थे। ट्रैक तो ज़्यादा नहीं था लेकिन बैग को ऊपर लाने में सांस फूल गई पूरी। इधर बैठ गया रेस्ट करने के लिए। ऊपर देखिए ऊपर है मंदिर, यहाँ से अभी कराते हैं आपको दर्शन। जय बद्री विशाल। मंदिर में आते ही मौसम खराब हो गया, देखिए बारिश होने लगी है। थोड़ा सा गली में आते हैं तो यहीं पे अंकल की दुकान है, अंकल ने हमें बड़ी हेल्प की, हमारे बैग रख लिए, प्रसाद लिया हमने ऐसे। और देखिए यहाँ पे बहुत ही कम रेट में प्रसाद मिल जाता है। तो आपसे साइड में आएगी मंदिर के तो यहाँ पे प्रसाद ले सकते हैं अंकल से, यहाँ पेटीएम वगैरह की सुविधा भी उपलब्ध है। तो अभी हम जाते हैं मंदिर में, करते हैं दर्शन। तो भाई ले लिया हमने प्रसाद अपना, भाई कराते हैं आपको बद्री विशाल के दर्शन। ये देखिए ये है बद्री विशाल का धाम। जय बद्री विशाल, जय हो बद्रीनाथ धाम। कीजिए आप भी दर्शन मेरे साथ बद्रीनाथ धाम के। देखिए और हम सब भी जा रहे हैं अंदर दर्शन करने के लिए, कैमरा अंदर अलाउड नहीं। ठीक है वहां से लगी हुई यहाँ तक लाइन, अभी लाइन लगी हुई है, हमें लाइन में लगना होगा। ये
नारायण जी का। मैं सोचा लाइन नहीं है, लाइन बहुत लंबी है। आधा घंटा हो गया, थोड़ी सी लाइन आगे बढ़ी है अभी। जय बद्रीनाथ धाम की जय हो। जय बद्री विशाल। देखो भाई मंदिर के सामने पहुंच गए हम गाइस, वीडियो अलाउड नहीं था, अंदर दर्शन नहीं करा पाएंगे। जय बद्री विशाल, जय बद्रीनाथ धाम। और देखिए ये देखिए कितना सुंदर सजा हुआ है बद्रीनाथ जी का मंदिर। जय बद्रीनाथ। अंदर है मेन मंदिर बद्रीनाथ जी का, नौ अंब है, उधर है हनुमान जी। ये है मेन मंदिर बद्रीनाथ जी का, जहाँ बद्रीनाथ जी की मूर्ति है मेन मंदिर की। जय। देखिए ये है, इधर है महालक्ष्मी मंदिर, मेन मंदिर दर्शन हो गए बहुत अच्छे से। और देखिए सामने छोटे छोटे मंदिर और बने हुए, इधर हनुमान जी का मंदिर और छोटे छोटे मंदिर बने हुए। ऊपर देखिए कितना अच्छा मौसम हो गया, बारिश पड़ने लगी, बहुत ठंडा मौसम हो गया है। अब मंदिर से बाहर जा रहे हैं और देखिए मंदिर में दर्शन हो गए, बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए। यहाँ पे हवन हो रहा है देखिए, और बारिश भी आने लगी है। अब यहाँ से चलते हैं बाहर की तरफ। यमुनोत्री में गौरीकुंड में देखा था हमने तप्त कुंड, यहाँ पे बद्रीनाथ में भी तप्त कुंड है, वो पानी डाला हमें, बहुत ही अच्छा लगा है पानी डाल के। देखिए सभी यहाँ स्नान कर रहे हैं, और ये देखिए चमत्कार ही है ये कि इतनी ठंडी जगह पे गर्म पानी निकलता है देखिए फलता हुआ। भाई तीन धामों का हमारा जल भर लिया था हमने, एक धाम का रह गया था अलकनंदा का बद्रीनाथ का, तो जल हमें भरना है, फिर हमारी यात्रा चार धाम की पूरी हो जाएगी। तीन धाम का जल भर लिया था, अभी रह गया चौथा धाम, लास्ट हमारा पूरा हो गया। अब इसमें अलकनंदा नदी का और हमारे चार धाम का जल हो जाएगा। और देखिए मौसम कैसा हो रहा है, नदी का देखिए उफान। चारों धाम पे जल हो गया हमारा। देखो बद्रीनाथ के दर्शन तो हो गए थे हमें, और देखो नीचे आए तो इतनी तेज बारिश होने लगी है, देखिए सब जगह धुआं धुआं हो गया, ऊपर स्नोफॉल हो रहा है हल्की हल्की, थोड़ा थोड़ा स्नोफॉल सा हल्का हुआ था, और ठंड इतनी हो गई जबरदस्त। देखिए कितना पानी चल रहा है, नदी का उफान, नदी एकदम उफान पे है देखिए, और रात में मौसम और भी ज़्यादा ख़राब होगा। भैया बोल नहीं पाते हैं, पर इतने अच्छे हैं, हम चाय पी रहे तो बोल रहे कि चाय के पैसे मैं देता हूँ, नहीं 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 ऊपर ही भैया की शायद शॉप वगैरह है। अच्छा भैया भाई चल भाई चाय पी लिए, अब चलते हैं भाई। तो गाइज हर हर महादेव, जय बद्री विशाल। तो आज हमारे चार धाम पूरे हो गए, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्री धाम। देखिए काफ़ी बारिश हो रही है, काफ़ी स्नोफॉल भी होने वाला है, मौसम भी ख़राब होने वाला है, हम काफ़ी भीग भी चुके हैं। तो यहाँ से हम बस पकड़ेंगे अब हरिद्वार की, और यहाँ से जाना आसान नहीं होने वाला, काफ़ी मुश्किलें आने वाली, क्योंकि रोड काफ़ी ख़राब हो गई है, बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड भी मिल सकता है रास्ते में। भैया निकले, भैया भी आए यूपी से, और भैया भी कर रहे हैं पैदल यात्रा, मनी लेस ट्रैवल। भैया का यूट्यूब चैनल है आपका? हाँ भैया का यूट्यूब चैनल है जरा 13,000 किलोमीटर, और ट्रैवल अग्निहोत्री भैया का चैनल है। अच्छा 2,000 किलोमीटर हो गया भैया, केदारनाथ जी, अच्छा और तुंगेश्वर, गोपेश्वर, अरे वाह, आज आ गए धाम पे अपने। उत्तराखंड का चौथा धाम है? हाँ हाँ उत्तराखंड का, उत्तराखंड भारत का पहला धाम। हाँ उत्तराखंड के चार धाम आपने कर लिए, चलिए बहुत अच्छा लगा भैया। आंटी मिली थी, आंटी को बोलते हैं जय बद्री विशाल, फिर कभी आएंगे आंटी तब मिलेंगे। ठीक है आंटी, जय बद्री विशाल। तो भाई निकलते हैं, ऐसे सामान ले लिया अपना। तो भाई यहाँ से निकल रहे हैं बस स्टैंड की तरफ, फिर पकड़ेंगे हम हरिद्वार के लिए बस, और करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। तो जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल।